वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तन तन बाबा नंद सिंह जी बचन करया करदे सन, कोई भी एह सोच के उदास ना होवे के काश मैं गुरु नानक पातशाह मौके हुंदा ते उन्हां दे दर्शन करदा। मैं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह मौके हुंदा ते उन्हां दी चरण धूड़ लैंदा। दस गुरु साहिबां ने केवल शरीर रूप विच रह के ही नहीं संगतां नूं तारिया, बल्कि ओह तां अज वी श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दी संतां महापुरखां दे विच दी संगतां दा पार उतारा कर रहे हन। बाबा जी दे इसे वचन नाल संबंधित एक साखी आप सब संगतां नाल सांझी करन जा रहे हां। एक आदमी मध्य प्रदेश दे रीवा जिले विच एक बस विच सफर कर रहा सी। उस आदमी नूं बस विच बैठिया एह देख के बहुत ही हैरानी हुई कि बस दा ड्राइवर तां सिख नहीं है, पर उसकी सीट दे सामने स्टेरिंग दे उपरले पासे सिर तों थोड़ा जिहा उच्चा सोनी विशाई करके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दा घोड़े वाले स्वरूप दा आसन लाया होया सी। उस आदमी ने दस्या कि जदों बस रुकी तां 10 मिंट दा स्टॉपेज होण करके मैं उस ड्राइवर दे कोल चला गया अते उस दे कोल जाके पुछया कि तुसी सिख तां नहीं हो पर तुसी आसन लाया है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दा। ओहो ड्राइवर कहन लगा जी मैं मुसलमान हां। ते ओ आदमी फिर हैरान होके कहन लगा कि आसन तां गुरु कलगीधर पातशाह दा लगाया होया है। ओहो ड्राइवर मुस्कुराया ते कहन लगा कि जेड़ा बस दा कंडक्टर है ओ भी मुसलमान है, होर ता होर जेड़ा इस बस दा मालिक है ओ भी मुसलमान हाजी है। ओह आदमी सुन के बड़ा हैरान होया। हुन ओह ड्राइवर कहंदा सरदार जी एक गल तुहानू होर भी हैरान कर देवेगी कि उस मुसलमान हाजी दियां रीवा जिले विच 100 बसां चलदियां हन अते सारियां बसां विच ही गुरु गोबिंद सिंह जी दे घोड़े वाले स्वरूप दा ही आसन लग्या होया है। ओह जे कोई नवीं बस भी पाउंदा है तां बस उन्नी देर बाहर नहीं कढ़दा जिन्नी देर उस विच श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दा आसन नहीं लाया जांदा। हुण उस आदमी ने ड्राइवर नूं कहा तू मैनूं उस मुसलमान हाजी दा एड्रेस देवेगा। उस ड्राइवर ने एड्रेस दे दिता। ओह आदमी कहंदा मैं अगले दिन सवेरे उस एड्रेस ते उस मुसलमान हाजी नूं मिलन गया। जदों उत्थे जाके ओह आदमी उस मुसलमान नूं मिलिया तां उसने पुछया कि तुसी कौन हो। तां उस आदमी ने कहा मैं तुहाडी बस विच सफर कर रहा सी, कलगीधर पातशाह दा आसन लग्या देख के हैरान हो गया अते आप जी पासों इस सब दा राज जानन लई पहुंचया हां। हुण ओह काजी कहन लगा सरदार जी एह बड़ी लंबी वार्ता है। उस हाजी ने अपनी जिंदगी च वापरी इक घटना उस आदमी नूं सुनाई ते कहन लगा कि कुछ समा पहला मैनूं अधरंग दा अटैक हो गया सी जिस नाल मेरा अद्धा पासा ही मारिया गया सी। 15-20 दिनां बाद दूजा अटैक हो गया ते तुन्नी तों हेठां वाला सारा हिस्सा ही डेड हो गया, सिर्फ देख सुन ही सकदा सी, बाहां भी रुक गईयां सन। 15-20 दिन मेरी पत्नी ने मेरी सेवा कीती, फिर ओह अक गई ते पेके चली गई, सब कुछ विक गया। 5-7 दिन मैनूं गुआंढियां ने संभालिया, फिर ओह भी अक गए ते चुक के मैनूं सड़क ते पा आए। पर मेरा कोई चंगा कर्म सी मैनूं उस सड़क ते पा दित्ता सी जिथों हजूर साहिब जान लई संगत लंघदी सी। एक दिन मैं मोटियां नाल अपने आप नूं घड़ीस के सड़क दे विचकार ले आंदा, एक जत्था संगत दा आ रहा सी। मैं उच्ची उच्ची रौला पा के कहा
कि मैं रस्ते विचों नहीं हटना, मैनू भी लेके चलो हजूर साहिब वाले गुरु जी कोल। उन्होंने मेरे ते तरस आ गया, उन्होंने गड्ढा कीता, मैनू चुक के गड्ढे च बिठाया अते हजूर साहिब नाल लै गए। जदों हजूर साहिब पहुंच गए ता उन्होंने मैनू गड्ढे तो चुक के दरख्त दे थल्ले पा दिता ते कहा कि ओ है सामने हजूर साहिब, हुण तू जाने जा हजूर साहिब वाला जाने। ओह मुसलमान कहंदा उस दिन हजूर साहिब नगर कीर्तन निकल रहा सी। जदों नगर कीर्तन निकल रहा सी ता मैं उची उची रो पिया, गुरु गोबिंद सिंह जी मेरे वर्गे दी बां कौन फड़ेगा। हजूर साहिब जदों नगर कीर्तन कढ़िया जांदा है ता उत्थे घोड़े उपर सुंदर विशाई करके उसनू नगर कीर्तन दे अग्गे तोरिया जांदा है अते घोड़े इन्ने नीवे होके हौली हौली तुरदे हन कि उन्हानू देख के भी प्रतीत हुंदा है कि इस दे उपर कलगीधर पातशाह अज भी विराजमान हन, क्योंकि घोड़िया नू बहुत पसीना आया हुंदा है। मैं उची उची बोल रहा सी, गुरु जी मेरे वर्गे दी बां कौन फड़ेगा, नाले विलाप कर रहा सी। मेरे वेखदिया वेखदिया एक घोड़ा बेकाबू हो गया, बेकाबू होके घोड़ा सीधा मेरे कोल पहुंचया। एक बार किसी जिज्ञासु ने संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले महापुरखा नू पुछया कि बाबा जी अरदास किस तरह करनी चाहिदी है जेड़ी पहुंच जावे। संत अतर सिंह जी कहन लगे, जिस दिन अरदास करनी ही ना आवे, विलाप विच ही पाप निकली जान, उस दिन अरदास पहुंच जांदी है। ओह मुसलमान हाजी कहन लगा, घोड़े ने मेरे कोल आके दोवे पौड़ उपर चुक के मेरे पट्टा ते लाए, ते लाउण दी देर सी, मेरे लत्तां दी खून दी हरकत चल पई। घोड़े ने फिर पौड़ चुके ते मेरी छाती ते लाए, ते मेरियां बाहां विच खून दी हरकत मैनू महसूस होई। इन्ने नू सेवादार आ गए ते घोड़े नू लै गए। उन्हां सेवादारां नू भी नहीं पता कि मेरे ते की बख्शिश हो गई। मैं अपनियां बाहां हिलाउण दी कोशिश कीती ता हिलण लगियां, हौली हौली करके मैं उठण दी कोशिश कीती ता मैथों उठिया गया, ते हौली हौली तुर के मैं अंदर हजूर साहिब मत्था टेकिया, मत्था टेक के फिर हौली हौली बस फड़ के घर आ गया। सारे मैनू देख के हैरान सी कि एह की करिश्मा हो गया। मेरी घरवाली ते बच्चे भी वापस आ गए। फिर हौली हौली कुछ दिनां बाद मैं एक बस पा ली ते कलगीधर पातशाह ने ऐसी बरकत पाई कि एक तो दो पांच सात ते अज मेरियां 100 बसां रीवा जिले विच चल रहियां हन। हुण ओह आदमी फिर पुछण लगा कि मेरा सवाल है कि तुसी हर बस विच कलगीधर पातशाह दा घोड़े वाला स्वरूप क्यों लाया है। ता ओह मुसलमान कहन लगा, मेरे ते बख्शिश कलगीधर पातशाह दी होई है, पर होई घोड़े दी राही है, विचोले नू कदे नहीं भुलना चाहिदा, इसलिए मैं हर बस विच गुरु जी दे घोड़े वाला स्वरूप दा आसन लाया होया है। सो ओह मुसलमान कहन लगा, गुर मेरे संग सदा है नाले, अज सानू सिख धर्म च विचरदिया भी गुरु ते भरोसा नहीं। गुरु प्यारियो भावना बनाओ, कलगीधर पातशाह अज भी हाजिर हन ते बख्शिशां वरतौंदे हन, बस लोड़ है ता सिर्फ भावना दी, प्रेम दी अते विश्वास दी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।